चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नौकरी तो मिल गई 100 में था 25% को, और अब 100% को क्यों मिल रहा है? क्या लग रहा है इस बार आ रहा है? संजीव बालियान आ रही है। अच्छा, सरकार बदलनी चाहिए, दूसरे को चांस मिलना चाहिए सरकार। आप टोटली कैलकुलेशन करिए, बहुत रोजगार मिला। से में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में है, और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है ये, जहाँ पर ये बाय वाला अड्डा इसको बोला जाता है, मेरठ रोड यहाँ से गुजरता है। हम आज यही बातचीत करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में क्या लोगों की राय है, क्या लोगों का मानना है, यही लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट है, डॉक्टर संजीव बालियान आपके सांसद है, इस बार क्या लग रहा है 2024 में क्या माहौल बनेगा मुजफ्फरनगर में? मोदी जीतेगा, योगी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। दो चार काम बताइए भाजपा के। सारे काम मार लिए, बढ़िया कर रहा। राजेंद्र जी क्या लग रहा है, लोकसभा मुजफ्फरनगर सीट है, बड़ी चर्चित रहती है। तो जी भाजपा सरकार लग रही है। अच्छा, भाजपा सरकार कुछ काम बताइए। हिंदुस्तान में तो रोड बिछवा दी, बढ़िया बड़ी बड़ी रोड बनवा दी। अच्छा जी, चीन को पीछे हटा दिया कई कदम, लोगों को 9000 चावल फ्री में खुआ रहा, और क्या, लोगों के गले कटवाओ। ये कहाँ से पता चला आपको चीन पीछे हटाए? हम, हमारा आदमी नहीं है फौज में। अच्छा, जिसके पास रोजगार नहीं है, उस तरह की जमीन जायदाद या संसाधन नहीं है, उस पर तो महंगाई का फर्क पड़ता है ना। जो आप भाई, उनके लिए गेहूँ चावल कई साल तक फ्री के रखे और काल होता तो आप गेहूँ, पिछली सरकारों ने भी दिया होगा कुछ गेहूँ चावल किसी को, तो आपको लगता है गेहूँ चावल देने से क्या घर का सारी चीजें पूर्ति हो जावे? तो एक भाई साहब, अच्छा, पिछली सरकार ने किसे दिए गेहूँ चावल? पहले भी मिलता था कुछ, ये दे रहे, इसकी गुंडे बुराई कर रहे। अच्छा, आपको एक चीज बताइए, हिंदुस्तान की साख बना दी मोदी और योगी ने, विदेशों में जान के भारत भी कोई चीज है। नहीं, पहले भी, पहले नहीं जानते थे। नु क्या है, 100 टांग खेचती भी रहे, एक टांग को, एक टांग को आपके भी जीतेगी, भाजपा को भी जीतेगी। अच्छा चलिए, अगर नौकरी मिल जाए फिर राशन की जरूरत पड़ेगी? मेरी बात सुनो, नौकरी सभी पब्लिक को नहीं मिला करती। आ जाओ, एक मिनट सुनो भाई जी, मेरी बात सुनो। नौकरी तो मिल गई 100 में था 25% को, और अब 100% को गेहूँ मिल रहा, नौकरी बढ़िया, गेहूँ बढ़िया। नौकरी मिल जाएगी तो गेहूँ वो खरीद लेगा खुद भाई, सब कुछ नहीं मिलता, अच्छा गेहूँ आज तो सबको मिल रहा। नहीं, सब टैक्स भी तो दे रही है ना सरकार को, वोट भी तो दे रही है। देखो ऐसा है, कर लिए जो कर करो। अच्छा तो सीट पे बताओ क्या रहोगा यार? वहाँ सीट पे तो हम तो भाजपा। डॉक्टर साहब इस बार संजीव बालियान साहब रहेंगे या फिर लोक दल से कोई, किसको देख रहे हैं? हम तो भाजपा के आदमी। अच्छा, तो भाजपा को तो ऐसे कोई है, क्या नाम भाई? भाई लोक दल को भी तो चाहे, जब लोक दल का कैंडिडेट उठेगा। अच्छा, क्या नाम आपका? नाम ओमपाल है। अच्छा, क्या लग रहा है, ये तो भाजपा कह रहे हैं। नहीं, लोक दल आपका, लोक दल की सीट निकलेगी। अच्छा, लोक दल का लगता है आपको? आपका लोक दल की सीट 100 के 100 निकलेगी भाई। ये कह रहे हैं भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, भाजपा ये गुंडागर्दी खत्म कर दी, रोडों पर हमें चलना। कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, अब गुंडागर्दी तो इतनी कितनी है, कहाँ खत्म कर दिया, बड़ी बड़ी गुंडागर्दी है। कह रहे हैं कि भाई अनाज चावल मिल रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अब तो टैक्स नहीं बढ़ रहा। अब तू लगा ले गेहूँ 5,000 रुपए कुंटल था, 2500 रुपए कुंटल है, 2700 बता, कहाँ फ्री मिल रहा तभी बताओ। लेकिन तेल 60-70 रुपए किलो था, 150 रुपए किलो, अभी बताओ। लेकिन चलिए, जैसे आप कह रहे हैं भाई, लोक दल से बहुत सारा किसान जुड़ा हुआ है, किसानों की पार्टी कहा जाता है, और मजदूर किसान तो एक ही हो, मजदूर किसान एक आप कह रहे हैं, तो ये मुजफ्फरनगर सीट है, मुजफ्फरनगर सीट है, तो इस पर आपको क्या लग रहा है? इस बार आ रहा है संजीव बालियान आ रही है। अच्छा, लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर, बड़ी चर्चित सीट रहती है, और डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ से सांसद है मौजूदा। हमने वहाँ से संजीव बालियान को एक बार हराया, और अब के जो है तैयारी पूरी चल रही, ठीक है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ। क्या माहौल लग रहा है अभी आपको? माहौल की बात यह है, योगी जी अच्छे, मोदी जी अच्छे, दोनों अच्छे, लेकिन हमारे घर में ही फूट है।
संजीव बालियान जी है, मौजूदा सांसद है जी। एक तरफ लोक दल भी है, बिल्कुल दिया है, दोनों पहले में से भी दिया है, अब के भी दूंगा। संजीव बालियान मेरे अजीज दोस्त हैं। मोहम्मद साहब, लोकसभा चुनाव की चर्चा लगातार चल रही है पूरे देश में, ये आपकी मुजफ्फरनगर सीट है जी। क्या लग रहा है इस सीट पर, क्या आपको नजर आता है इस बार? हमें नज़र ये लग रहा है जी, सरकार बदलनी चाहिए, दूसरे को चांस मिलना चाहिए सरकार। तो काम नहीं किए कुछ सरकार ने? अच्छे काम किए, काम भी होए नहीं भी होए बदलनी चाहिए, नया काम होगा और आगे बढ़ेगी तरक्की। तो जैसे आप नौजवान हैं, रोजगार की दिक्कत होती होगी? रोजगार की दिक्कत ही है, सारी दिक्कत रोजगार की है। तो कुछ नौकरियाँ, कुछ भर्तियाँ कुछ आई आपके क्षेत्र में? अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया। ये मुजफ्फरनगर सीट पड़ती है तो आपको क्या नजर आता है आप इधर के? यहाँ बीजेपी जीत रही है एक तरफा, कोई यही नहीं हो रहा। तो डॉक्टर संजीव बालियान सांसद है मौजूदा यहाँ के, तो कुछ काम लगते हैं आपको? काम अच्छा काम फूल हो रहा है, देखिए फरगुला खा कर देख के डब फर्राटे काट रहा है मामला, चोरी नहीं डकैती नहीं, रात को 12 बजे 11 बजे किसी टाइम आ खुला खा नंगा ना मौज आ रही। और भी विपक्षी पार्टियां बहुत सारी, तो यही करें वो तो सबका राम राज्य भी दिखाई दिया, नहीं तो कहते हैं एक बार पहले सुना था बारा। देखो आप भी किड्डा पराठा नहीं, यहाँ कौन पूछ रहा, यहाँ तो खड़े भी नहीं होने देता, तो सब शांति आराम रहा, पूरा मजा आ रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक नज़र डाले पिछले 10 साल या 5 सालों में, जो भर्तियाँ सरकार देती थी या जो भर्तियाँ आती थी, तो वो भर्तियाँ अभी तो कम है उस समय के हिसाब से। तो अभी सरकारी भर्तियाँ लेकिन हो रहा, काम तो चल रहा है। इसका जवाब मैं दूँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह सहरावत, फ्रॉम गढ़ी सगौतपुर, यहीं से हूँ। आप ये बताइए, हमारे युवाओं को आप बेल्ट में भेजना चाहते हो क्या? नहीं, बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तो और भी यूपीएससी सिविल बहुत सारी नौकरियां। आप ये देखे आज के समय बीटेक किए हुए बच्चे कितने कितने लाख के पैकेज बजा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बीएड वे गवर्नमेंट की तो देन है, गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट बनाया जब तो जा रहे हैं। बीटेक ही नहीं है, बीएड वाले भी है, वे सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। बीएड वालों के लिए कोई भर्ती नहीं है। मैं टीचर हूँ, मेरे पढ़ाया कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार नहीं है, बताओ मैं कैसे कह सकता हूँ? प्राइवेट सेक्टर में आया, अच्छी सैलरी है, मेरे स्टूडेंट ऐसे ऐसे हैं जो 50-50, 60-60 लाख के पैकेज बजा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, 50,000 की सिपाही की बात करते हैं बस? नहीं सिपाही नहीं, मैं बीएड की भी बात। तो अरे बीएड 70,000 भर्तियां अटकी पड़ी है ना जी, अटकी न तो ऐसा है, हर काम ऐसे नहीं, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, यदि कुछ उसमें कहीं रुकावटें हैं कुछ भाई। बाबा ने अब क्या जनसंख्या पर नियंत्रण कर दिया, फिर बाबा को हटाता नहीं, ठीक है इस पे, इसके पक्ष में अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए, इससे सभी को लाभ होगा, हर कास्ट को लाभ होगा, लाभ होगा, इकोनॉमिक में भी लाभ होगा, लेकिन सब तरह से लाभ। लेकिन जब सरकार आई थी तो उसने कई तरह के, जो विपक्ष जो कहता है कि भाई वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे, महंगाई के वादे, उससे ज्यादा मिल रहे हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा, कोई आंकड़ा नहीं है। इनडायरेक्ट आप कैलकुलेशन कराइए सर, मैं अपोजिशन वालों से, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट बात करते हैं, आप टोटली कैलकुलेशन करिए, बहुत रोजगार मिला है। नहीं, सरकारी सेक्टर अगर जो सरकार की बात वो भी तो भैया सरकार की देन है, एक सरकार माहौल। रेलवे में जो रोजगार होते थे वो रेलवे में इतनी बिल्डिंग इतने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। जो हमारा राम मंदिर बन रहा है वहाँ थोड़ा रोजगार मिल रहा है, इनडायरेक्ट भी बहुत रोजगार मिलेगा वहाँ पे। जो हमारा डायरेक्ट सरकार ने तो डायरेक्टली रोजगार की बात की थी, मैं कह रहा हूँ इतने स्टेशन बन रहे हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, वहाँ पर रोजगार ही तो मिलेगा। लेकिन वो 2 महीने बाद 6 महीने बाद रोजगार नहीं रहा, प्रोजेक्ट पक्का रोजगार तो सरकार ही गारंटी देगी ना भैया। चोर दुखी है, चोर और कोई दुखी नहीं, चोर दुखी है, जिन्हें आराम का माल चाह वे दुखी, मौज आ रही, मौज है नंबर वन। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश सही चल रहा है जी? उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। सरकार तो बढ़िया है, जो नीचे पियादे होने में खराब हो, लेकिन सरकार अगर कहे तो क्या वो काम नहीं करेंगे? अरे योगी जी कहे भाई, सरकार तो कह रही है, सरकार ने थोड़ी ना है, योगी जी आएगा खुद आएगा देखा का बोला भाई यहाँ से इस काम में क्या हो रहा है, नीचे में क्या रह गया भाई, नीचे उनने अफसर छोड़ रखे इसी नाम के, तो छोड़ रखे हैं अफसर, इतनी मोटी मोटी सैलरी ले पड़े में इसी काम खतर तो छोड़ रखे हैं। अब भाई नीचे जनता की आप देख रहे हैं, अफसरों की गलती है, अफसरों की गलती है सर, मिल में भी अफसर की गलती है। ठीक है, मैं बता दूं पिछले 90 दिन से बैठे हुए हैं, 90 दिन हो लिए है ना, 90 दिन आज का कल का दिन के बीच के है। अगर मिल वाला दे रहा पेमेंट, पिछला भुगतान कर रहा और 14 दिन का अगर पेमेंट देगा, अब मील चला लगा नहीं, सरकार मील चलावगी, सरकार सरकार चलावगी मील, सबसे बढ़िया सलूशन है।
हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर थे, जहां पर हमने आम लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है और 2024 में लोग किसको प्रधानमंत्री या अपना सांसद चुनना चाहते हैं। लोगों की अलग अलग राय है। जुड़े रहे सीसे से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। अच्छा जी, चलो। नहीं भाई, दिल्ली से है।